अब आज फिर आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि ये लोकमत की टीम एक बार फिर से कहाँ पहुँच गई। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम लोकमत की छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो खेती किसानी और खेत खलिहान की बात करने के लिए निकला हुआ है। तो टीम आज आ पहुँचा है गरियाबंद ज़िले में। गरियाबंद ज़िले के पास कोपरा गाँव है। गाँव में एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव किसान है जिनके पास हम पहुँचे हैं। और ये किसान सिर्फ एक फसल नहीं लेते, मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं वो इनसे बखूबी सीखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे ये लौकी है, मेरे बाजू में यहाँ पर लगा हुआ है ये मक्का है जिसको हम भुट्टा कहते हैं, स्वीट कॉर्न कहते हैं, ये स्वीट कॉर्न का है। बाजू में देख रहे होंगे आप फूल है। इधर देख रहे होंगे ये बरबट्टी जिसे हम कहते हैं बीन्स, उसका पौधा है, उसका नार है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो महज 7 एकड़ में ये धान भी लगाते हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट तरीके से, लिटरली कॉर्पोरेट तरीके से ये सब्जियों की भी खेती करते हैं। आम की इतनी वैरायटीज़ है इनके पास जिसको समझ पाना अभी शायद एक एपिसोड में मेरे लिए तो मुश्किल लग रहा है। लौकी की 21 वैरायटी, शायद आप और हम लौकी को सिर्फ लौकी के तरीके से जानते हैं पर लौकी की 21 वैरायटी इनके पास है। साइजेस बहुत डिफरेंट है, शायद आप भी देखकर चौंक जाएंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही छत्तीसगढ़ के शानदार किसान से जो दिन रात मेहनत करते हैं आपकी और हमारी थालियों में स्वादिष्ट भोजन पहुंचाने के लिए, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो फल के रूप में हो। तो आइए चलते हैं उनके फार्म हाउस और देखते हैं, फार्म हाउस तो पहुंच गए हैं, कि कैसा क्या उनका खेती का नज़ारा है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के प्रोग्रेसिव किसान प्रणय साहू जी। हम फिलहाल इनके फार्म हाउस में हैं और लगातार ये खेती को लेकर कई तरीके के अपने खुद के सुनियोजित तरीके से विस्तार करने के लिए योजनाएं भी बनाते रहते हैं। कई बार अपने खुद के पौधों को अलग रूप भी देते रहते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो लौकी है ये मेरे लिहाज से लगभग 5 फीट 6 फीट की ये लौकी है। आइए हमारे साथ प्रणय साहू जी हैं, उन्हीं के लौकी के बारे में उन्हीं से चर्चा करते हैं और पूरी इस जो खेती की सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की स्क्रीन पर। नमस्कार। क्या राज है भैया इतनी बेहतरीन और खूबसूरत खेती का जहाँ पे आपने सब कुछ लगा लिया है? मैं यहाँ पे जितने भी मतलब देसी बीज है जो आज देख रहे हैं हम बाजार में जो हाइब्रिड का चलन है, तो देसी बीज जो विलुप्त हो रहा है उसको वापस फिर उसको संरक्षित करने के लिए मैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के देसी बीजों को मैं संरक्षित के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जितने भी मुझे मिलता है बाहर से देसी बीज उसको मैं अपने यहाँ संरक्षित करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं लौकी, लौकी मेरे पास अभी 21 प्रकार का है जो 6 फीट तक का है मेरे पास। और वैसे ही मतलब करेला है, तुराई है, बहुत सारे मिर्च है जो अलग अलग है जो देसी है उनको मैं अभी संरक्षण कर रहा हूँ उनको। बिल्कुल आप देसी बीजों का जो है वो संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर जब हमने आपका पूरा फार्म हाउस घूमा तो देखा जो देश के बेस्ट किस्म के आम होते हैं वो भी आपने लगा रखा है, आप धान भी लगा रहे हैं, आपके पास वहीं पर छीते के भी पौधे हैं जो फल देने लग गए हैं। महज 2 साल का आम का पेड़ आपका फल दे रहा है, महज 2 साल का छीता का पेड़ जो है सीताफल का वो आपका फल दे रहा है, आपने भुट्टा लगा रखा है, ये सब मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो एक साथ आप कैसे कर रहे हैं? आपने अभी देखा आम का जैसे वैरायटी है तो जितने भी मतलब हमारे देश में जो मतलब जो अच्छे वैरायटी है उसको मैं ला के यहाँ पे लगाया था जो छोटे पौधे को, और उसके बाद मैं उसको बढ़ाने के लिए मैं खुद से मतलब उसको ग्राफ्टिंग करना चालू किया। तो आज मेरे पास कल लगभग 10 आम के वैरायटी है जो बहुत अच्छे है और जो मार्केट में उसका वैल्यू अच्छा है उसका। तो जब आप एक ही जगह पे मल्टीपल चीज़ों की खेती कर रहे हैं, मैं जैसे कि हमारे दर्शकों को हमने दिखाया कि एक ही पंडाल में इन्होंने भुट्टा लगा रखा है, आम लगा रखा है, सीताफल लगा रखा है, वहीं पर कई अलग अलग नार वाली जो किस्में होती है सब्जी की वो उन्होंने लगा रखी। तो क्या कुछ इसमें साइंटिफिक तरीका है इन चीज़ों को करने का, क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है? ये जो आप देख रहे हैं जो मंडप बना हुआ ये एक रास्ता था तो खाली जब था ना तो मैं इसको सोचा कि इसमें क्यों ना कुछ लगाया जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें पूरे साइड में आम का पौधा लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, और उसके जो नीचे में है जितने भी मेडिसिनल पौधा है जैसे सतावर है, इंसुलिन है, हथजोड़ है, भुई लीम है, इस टाइप का मतलब चारों तरफ उसका लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जगह का इसको सदुपयोग कर रहे हैं और दिमाग में आया कि मतलब जगह का सदुपयोग होना चाहिए। जैसे किसान मेड़ को आज मेड़ को उसको छोटा करते जा रहा है
तो मैं सोचा इसको मेड़ को चौड़ा किया जाए। आज देख रहा है कि मेरे मेड़ में पूरा आम का पौधा लगा है, धान का फसल भी हो रहा है उसमें और आम भी हो रहा है। तो किस तरीके की सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक साथ अलग अलग पौधों को बड़ा करना, अलग अलग वैरायटी है और कोई नार है तो नार ही है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ठोस पेड़ वाली भी चीज़ें, तो अलग अलग तरीके की तरीके के पौधों को बड़ा करने के लिए आपको किस तरीके की सावधानियाँ जो है वो बरतनी पड़ती है। अभी हम जैसे हमने देसी का बात किया, तो कहीं ना कहीं देसी जितने भी चीज़ है ऑलरेडी उसमें मतलब थोड़ा सा बीमारी बहुत ही कम आता है, क्योंकि वो सीजनेबल होता है, अपने मौसम के हिसाब से वो उगता है वो, तो इसी कारण मतलब उसमें ज़्यादा दवाई वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और उसमें मैं जीवामृत बनाता हूँ जिसको बीच बीच में छिड़काव करता हूँ, तो इसमें किसी प्रकार का केमिकल वगैरह कीटनाशक ये सब चीज़ नहीं डालना पड़ता है, तो नेचुरल से मतलब नेचुरल तरीके से अपन अपने ही से ही हो जाता है वो, नेचुरल तरीके से हो जाता है। पर आजकल मार्केट में देख रहे हैं मौसम के साथ साथ सब्जियों के रेटों में भी उतार चढ़ाव आता है, और मेन काम जैसा कि हमने देखा फल अनाज और सब्जी तीनों ही आपके मेन स्ट्रीम के हैं, तो जब इस तरीके की बात आती है कि आज टमाटर का रेट गिर गया, मौसम ख़राब है, आज कुंदरू का रेट बढ़ गया, ऐसे सिचुएशन में कैसे क्या कुछ? जैसे कि रेट बढ़ने का कारण तो समय से मतलब सब्जी जो आज जैसे कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड का चलन है और वो सब फार्म हाउस में हो रहा है वो, तो छोटे छोटे किसान जो है वो मौसम मतलब जैसे बारिश है, बारिश में अब छोटे छोटे किसान नहीं लगा पाते, तो रेट ऑटोमेटिक वो चढ़ जाता है वो, जो एक ही चीज़ लगाएंगे सभी किसान तो वहाँ पे रेट कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे अपने खाने पीने के लिए जितने भी है वो सब चीज़ लगाए हुए हैं, फल से लेकर सब्जी से लेकर, ताकि अलग अलग सीजन में हमें मिलता रहे। क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो खेती के लिए मोटिवेट करती है, क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि खेती अब घाटे का सौदा है। अब क्या है, इसमें एक ही फसल अगर किसान लगाने लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो दाम है वो गिर जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब फसल परिवर्तन, आप एक जैसे कि आपके पास खेत है 4 एकड़ का, उसमें आप अलग अलग चीज़ लगाएंगे तो निश्चित ही मतलब हर किसान अलग अलग चीज़ लगाएंगे तो उसका दाम ज़रूर बढ़ेगा उसका। अभी तो खैर शासन अभी जो धान का रेट बढ़ाया हुआ है तो किसान को भी प्रॉफिट है अभी समर्थन मूल्य के कारण से, अब वही मार्केट में जाओ तो औने पौने दाम में कोचे लेते हैं तो नुकसान होता है उसे। आपको कौन सी चीज़ जो है वो खेती के लिए मोटिवेट करती है, क्योंकि खेती मौसम पर आधारित है, मौसम में बादल पानी हवा बिजली को तो कोई रोक नहीं सकता, पर ऐसे विकट समय पर जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वहाँ पर कौन सी चीज़ है जो खेती के लिए आज भी बहुत मोटिवेट कर रही है? जैसे कि आप मौसम आज जो मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको मतलब समेतिक खेती पर आना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं आज की विकट परिस्थिति की, तो लगातार देखने को मिला है कि कई अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है, क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, तो बिजली पानी तो हमारे हाथ में नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कौन सी चीज़ है जो आपको आज भी खेती के लिए मोटिवेट कर रही है? आज हम देख रहे हैं कि कीटनाशक और बहुत सारे चीज़ों से कितना दुष्प्रभाव है, बीमारियां कितने बढ़ रही लोगों में, तो मैं मतलब वो करता कि मतलब जैसे कि अपन प्राकृतिक तरीके से जो खेती करें, जो लोगों को उसके जो हम जो फल दे रहे हैं अनाज दे रहे हैं वो उसको बीमारी से बचाए उसको, और मतलब सुरक्षित उसको भोजन उसको मिले, जो प्रकृति के लिए भी मतलब जैसे अपना जीव जंतु है उसको भी मतलब जहर मुक्त भोजन मिले। तो बिल्कुल प्रकृति को भी जहर मुक्त भोजन जो है वो देने का उद्देश्य हर किसान का रहता है, और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर साहू जी जो हैं वो खेती कर रहे हैं। इनके पास लगभग जो हम देख पाए हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कितनी वेराइटीज़ हैं लौकी की, कितनी वेराइटीज़ हैं आम की, और कितने आपने इंसुलिन का नाम शायद सुना होगा, शायद क्या आपने इंसुलिन की टैबलेट और इंजेक्शन भी सुनी होगी, पर अगर आपने इंसुलिन का प्लांट नहीं देखा है तो हम उसके बारे में भी साहू जी से पूछ लेते हैं, कहाँ से आइडिया है इंसुलिन का प्लांट जो हम सुनते हैं शुगर की बीमारी में काम आता है, ये वही वाला है? यहाँ पे अपने जो खेत है ना मेरा, तो बहुत सारे जो चीज़ है मतलब मेडिसिनल पौधे जो यहाँ पे मैं लगाया हूँ, जैसे कि अब देखिए इंसुलिन, अब कितने लोग शुगर से अभी लगभग आजकल सभी लोग अब शुगर से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं हम नेचुरल तरीके से अगर शुगर यहाँ पौधे लगाए हुए हैं जो विलुप्त प्रजाति है, हमारे मतलब पूर्वजों ने इसका उपयोग किया है तो इसको हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, अब इसको बढ़ा रहे गाँव में इसको,
ताकि ये सब चीज़ उपयोग करके स्वस्थ रहे लोग। हमने यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ देखी, वो है काला हल्दी। कैसा होता है काला हल्दी? आपने मुझे प्लांट तो दिखाया, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, लेकिन कैसा होता है ये काले कलर का हल्दी? हमने तो अभी तक येलो हल्दी दे, और ये इसका क्या यूज़ है? काला हल्दी एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है वो, और उसको कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है दवाई बनाने में। वो बहुत ही मतलब कैंसर रोधक है, और वो विलुप्त प्रजाति, वो भी उसको भी हम यहाँ पे संरक्षित किए हैं। तो बिल्कुल, कई तरीके की विलुप्त प्रजातियों को प्रणव साहू जी ने यहाँ पे संरक्षित किया है। हमने इनका फार्म हाउस भी आपको दिखाया, जहाँ पर ये एक साथ मल्टीपल अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग जो है वो लेते रहते हैं एक ही समय पे। इनके पास इनके फार्म हाउस में अभी फल, अनाज और सब्जियाँ तीनों उपलब्ध है, और साथ में वो पौधे भी जो औषधि हैं, जो आपके और मेरे जीवन के लिए कहीं ना कहीं काम आते हैं मेडिसिनल तौर पे, वो सारी चीज़ें एक जगह यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही प्रोग्रेसिव किसान है, हर चीज़ को नए और इनोवेशन तरीके से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वो किसान है जो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी और मेरी थाली में रासायनिक खाना ना जाए। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक।